शिलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बलदेव सिंह तोमर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सिरमौर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता की मौजूदगी अपना नामांकन भरा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दावा किया कि इस बार सिरमौर जिला की सभी 5 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। कश्यप ने कहा कि करीब 55 साल गिरपारी जनजातीय क्षेत्र की मांग पूरा कर भाजपा ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसका आने वाले समय में पार्टी उम्मीदवार को भी लाभ मिलेगा। सुरेश कश्यप प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के एक सवाल के जवाब में सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार पार्टी ने कई अच्छे शिक्षित उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 11 सीटिंग विधायकों की टिकट काट कर अन्य लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका पार्टी द्वारा दिया गया है। उन्होंने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट का भी दावा किया। सबसे पहले तो मैं अपना प्रदेश और केंद्र नेतृत्वों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने फिर से एक बार मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं विशेष रूप से केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हमने नॉमिनेशन आदरणीय अध्यक्ष जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी, इनके साथ मिलकर जो है आज हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार शिलाई विधानसभा से भारी मतों से विजयी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से 5 वर्ष के अंदर शिलाई विधानसभा में अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं, तो किसी से छुपे हुए नहीं है। चाहे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा गिरिपार को जनजाति करने का है, चाहे हमारे क्षेत्र में डिवीजन खोलने का मुद्दा है, SDM कार्यालय खोलने का मुद्दा था, ब्लॉक खोलने के मुद्दे थे, सड़कों का निर्माण था, वो सभी की सभी जो आवश्यकताएं हमारे विधानसभा के अंदर से पिछले 60 वर्षों से जिसके लिए हम लोग तरस रहे थे वो पूरी हुई है। इसलिए सिलाई की जनता इस बार हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व का, विशेषकर जो हमारा जनजातीय क्षेत्र हुआ है, उसका ऋण इस बार सिलाई की जनता ब्याज सहित उतारेगी। मेरा आप सबके माध्यम से सिलाई की जनता से अपील है कि इस बार जो पुण्य काम है हमारे लिए हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्रीय सरकार ने किया है, उनका ऋण आप उतारें और इस बार सिलाई विधानसभा से भारी मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर जाएं और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने जा रही है उसमें सिलाई विधानसभा क्षेत्र का भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व है। सिलाई विधानसभा क्षेत्र का नामांकन का कार्यक्रम है। भाई बलदेव सिंह तोमर जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी है, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस प्रकार से पिछले 5 वर्षों के दौरान शिलाई विधानसभा क्षेत्र में अनेक विकासात्मक कार्य हुए हैं, विकास के मामले में नया इतिहास रचा गया है। और सबसे बड़ी बात, जो जनजातीय की मांग थी और हाटी कमेटी को जनजातीय का दर्जा मिला है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्य हुआ है। जो लंबे समय से करीब पिछले 55 वर्षों से मांग चली आई थी, उस मांग को जो है हमारी सरकार ने पूरा किया है। मैं समझता हूँ ये जो विधानसभा का चुनाव है और ऐसे समय में हो रहा है, जब सिलाई विधानसभा क्षेत्र में और विशेष रूप से जिला सिरमौर में जहाँ था विकास हुआ है, वहीं एक बहुत बड़ी मांग और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक काम, जो भारतीय कम्युनिटी को जनजातीय का दर्जा देना, तो इसी कड़ी में मैं समझता हूँ जिला सिरमौर की 5 की 5 सीटें हम जीत रहे हैं और सिलाई विधानसभा क्षेत्र के बड़े बाजी से इस बार फतेह करेंगे।